दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक नया एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें अभी जो है अभी तक जितना भी हम लोगों ने अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो भी वीडियोस मैंने बनाई है उसमें केवल एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को हाईलाइट करना सीखा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक से अधिक अगर आपके पास कंडीशंस हों तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है डेटा को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना के रखी हुई है, तो मैं पहले इसको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आप इस तरह का डेटा अगर आपके पास हो तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये एक कुछ कलेक्शंस के रिकॉर्ड है जो कि यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं, ये ईयर वाइज और वीक वाइज जो होता है इनका रिकॉर्ड है। तो अगर हम जो होता है केवल जो होता है अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज मानिए 2018 का अगर कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, सपोज 2017 का ही देख लेते हैं, 2017 में संडे के दिन मेरा कितना कलेक्शंस है, 46,000। और इसी तरीके से अगर हम कोई डेट यहाँ पे और भी कुछ हम चेंज कर मारे वीक चेंज करते हैं या वेडनेसडे का चेक करना चाहते हैं, तो वेडनेसडे का जो 2017 में जो कलेक्शन था वो 37,300 है। हो सकता है इस डेटा में कई सारे वैल्यूज ऐसे भी हैं दोस्तों कि वो रिपीटेड हैं, जैसे कि 45,000 यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 2018 में जो होता है में भी 45,000 ही है, 2020 में भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीटेड हैं, पर हम केवल यूनिक रिकॉर्ड को ही फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ये कैसे जो होता है उसको हम कर पा रहे हैं, या इसको जो होता है डेटा को हम केवल यूनिक रिकॉर्ड्स को ही कैसे हाईलाइट कर पा रहे हैं वो अभी हम जो होता है इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फेसबुक पेज पे भी लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी या इस पर और कुछ चाहते हैं आप कुछ एक्स्ट्रा, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह के जिससे मेरे को भी आइडिया मिलेगा और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे जो कुछ भी अभी किया हूँ सबको हटा देता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ से क्लियर पहले से क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट से हटा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है उसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फिर मैंने यहाँ पे एनी वैल्यू सेलेक्ट कर ली और जिससे मेरे यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट खत्म हो गया। सेकेंडरी को भी मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ और इन वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ से भी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खत्म हो गया। अभी आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो आपको फॉर्मेटिंग कर लेनी है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ से पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है, ये वीक का है और ये ईयर का है। तो इसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा में मैं ऑलरेडी क्लिक हूँ, और यहाँ से आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ से एनी वैल्यू की जगह आपको लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ये इस बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो ये वीक का जो भी डेटा है उस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपकी वीक का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आ गया है। सेम इसी तरीके से आप अपना ईयर का भी कर लीजिए। करने के लिए सिर्फ फिर से आपको जो था डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से एनी वैल्यू की जगह आपको लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और सोर्स में क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ईयर वाला, और उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपका ईयर का भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगा। अब बात करते दोस्तों की यहाँ पे अब वो कौन सी कंडीशन ऐसा दें जिससे कि हमें जो होता है एग्जैक्ट उसी की ही डेटा प्राप्त हो, मतलब उसी अगर जिस वीक का चाहें या फिर जिस ईयर का चाहें तो हमें उसी की ही रिजल्ट मिले, हाईलाइट हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला या जो होता है क्या कंडीशन हम दे सकते हैं। तो इसके लिए छोटी सी कंडीशंस हैं जिसमें हम जो होता है इसमें हम एंड का यूज़ करेंगे, तो ये किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ एक बार करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फिर उसके आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे देंगे उसको हम देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे, ई एन डी एंड लॉजिक वन। दोस्तों, मेरा क्या होगा कि अगर पहले मुझे ये चेक करना होगा कि मेरा वीक को मैच करानी होगा, मतलब वीक में हम जो यहाँ कुछ जो मेरा लुकअप वैल्यू होगी वो वीक से मैच होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये देखिए,
पहले पे हम जो था यहाँ पे अपना जो वीक है, जहाँ पे वीक का जो लुकअप लेना है मेरे को, जहाँ से हमें वीक को सेलेक्ट करना, ड्रॉप डाउन लिस्ट जहाँ पे हमने बनाई है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के सेल को जो था पहले मुझे सेलेक्ट कर लेना है, और इसे हम लोग लॉक कर देते हैं। फंक्शन की, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कर लीजिए, उसके बाद फिर कॉमा लगा दीजिए। अगर आप डायरेक्ट PC यूज़र हैं तो आप डायरेक्ट F4 से भी इसे लॉक कर सकते हैं। उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करना है और इसको जो है मेरे इस वाले डेटा से मैच कराना है, मतलब जो नीचे आपका जो मेन डेटा है इस डेटा से ये होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट मैच। मतलब इस तरीके से मैच होना चाहिए कि जैसे ही अगर हम वीक में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे सपोज संडे की जगह हम मंडे करें, मंडे की जगह ट्यूसडे करते हैं, तो ये मेरा भी जो होता है इसी तरीके से ये भी ये कॉलम भी चेंज होते रहना चाहिए, तो रो चेंज होना चाहिए। तो इसलिए मेरा जो ये कॉलम है, ये कॉलम मेरा फिक्स होना चाहिए, और रो जो होता है 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम जो होता है इसको लॉक कर लेते हैं। इस बार हम जो होता है केवल कॉलम को लॉक करेंगे, रो को लॉक नहीं करेंगे। दोबारा आप जो होता है F4 प्रेस कर लीजिए, तो अभी ये देखिए रो लॉक हो रहा है, कॉलम नहीं, तो हमें इसको कॉलम लॉक करना है। दोबारा हमने F4 प्रेस कर लिया, तो इस तरीके से मेरा कॉलम लॉक हो गया और रो जो होता है मेरा फ्री, मतलब ये 3 से 4, 4 से 5, ये इस तरीके से होता रहेगा। उसके बाद फिर आपको लॉजिक दूसरी देनी है। दूसरी लॉजिक क्या होगी कि आप मुझे जो है ईयर को मैच करानी है, मतलब जो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो जो मेरा जिसे हम लुकअप करेंगे वो जो है मेरे इस रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए। इस रिकॉर्ड से मैच करने के लिए फिर हम यहाँ इसको जो है पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो यहाँ से जो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको हम फिर F4 के थ्रू इसे हम लॉक कर लेते हैं, और ये हमको इक्वल करना है, मतलब इसको मैच करानी है मेरा ये वाले डेटा से। तो इसको जो होता है मैच कराने के लिए फिर हमने यहाँ पे इस जो डेटा का जो पहला कॉलम था उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अभी इसमें क्या है कि ये जो है ये कॉलम वाइज है, मतलब ये बी कॉलम में 2015 है, सी में 2016 है, डी में, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे रो नंबर 2 में है और कॉलम बी सी डी ऐसे होना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मतलब मेरा जो इस बार कॉलम को फिक्स नहीं करना है, मेरे को रो को फिक्स करना है, तो फिर हम फंक्शन की का F4 प्रेस करते हैं। तो अभी देखिए रो फिक्स हो गई और कॉलम मेरा जो होता है चेंज होता रहेगा, बी की जगह सी, सी की जगह डी, ऐसे होता रहेगा। ये है दोस्तों कंडीशन, और हम यहाँ पे इंटर कर दिया ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। अभी मैं जैसे ही यहाँ जैसे सेलेक्ट करता हूँ सपोज संडे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ईयर 2015, तो अभी ये देखिए ट्रू हो गया। और हम जो तो पूरे अभी ये पूरे सेल में आना चाहिए, पूरे अगर सेल का रिकॉर्ड चेक करना चाहें तो हम पूरे सेल के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसे जो था ड्रैग कर देंगे। ये अभी 6 नंबर कॉलम तक है, ये देखिए यहाँ तक हो गया, और फिर हम नीचे इसको कर लेते हैं पूरा इस तरीके से। अभी आप देखो यहाँ पे हमने पूरा जो था अभी हर जगह देखें, आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ट्रू आ रहा है। अभी आप यहाँ पे चेंज करिए, संडे की जगह आप कुछ और ले लीजिए, संडे की जगह वेडनेसडे ले लीजिए, तो अभी आप ये देखिए यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, बाकी हर जगह फॉल्स हो गया। तो अभी मुझे क्या है कि ये फार्मूला जो है मेरे को मिल गया है, मतलब इस तरीके से हम जो है यूनिक वैल्यू यहाँ पे अभी आप देखो यहाँ ट्रू हो गया, बाकी हर जगह फॉल्स हो गया। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूला को जो है हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये फार्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं, फंक्शन की तरह F2 को यहाँ प्रेस कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो के साथ ये पूरा कंट्रोल सी के साथ फार्मूला कॉपी, और फिर से आपको जाना है यहाँ से, और फिर आपको यहाँ से एंटर प्रेस करना है, और सीधे आप होम टैब में जाके क्लिक करना है, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और सिर्फ बस आपको नीचे न्यू रूल ऑप्शंस में आना है। न्यू रूल ऑप्शंस में ये एकदम नीचे आप आ जाइए, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन बेस सेल टू फॉर्मेट। फिलहाल ये करने के लिए इससे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा को अपना जहाँ भी जितना है आप हेडिंग को छोड़ के पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको न्यू रूल ऑप्शन में जाना है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे आपको क्लिक करनी है, और वो जो फार्मूला अभी आपने यहाँ पे कॉपी की हुई है उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें जो तो फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड ले लिया कि अगर हाईलाइट करूँ तो बोल्ड में दिखना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ जो भी कलर देना चाहते हैं उसे कोई भी एक कलर दे दीजिए, और यहाँ से सिंपली बस कलर सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर आप दोबारा से ओके कर लीजिए। तो अभी आप देखिए 2018 का जो वेडनेसडे का डाटा यहाँ पे देखिए हाईलाइट होके आ गया 32,100। अगर आप इसमें कुछ और चेंज, मतलब आप कोई और सेलेक्ट करके देख लीजिए, 2020 में आ गई है, 2020 में वेडनेसडे का जो कलेक्शन है 38,000 है,
अगर आप यहाँ भी कुछ चेंज कर लीजिए, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, थर्सडे कर लीजिए, तो थर्सडे का 2020 का देखिए 41 जा रहा है। तो इस तरीके से आप एक से अधिक अगर आपके पास कंडीशंस हैं, तो आप एंड फंक्शन की मदद से अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से मल्टीपल कंडीशंस के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, अगर आप अपने तरीके कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए।